स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। आपको ये नज़र आ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल एंड द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल ये हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सब फॉर्मेशंस कैसे हो रही हैं, हमें चंद बातें सीक्वेंस से याद रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने ये याद रखना है, ये तमाम रिएक्शंस हो रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन में, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, रिएक्शन किससे है और बन क्या रहा है, आपको ये बात याद रखनी है। रिएक्शन किससे है और बन क्या रहा है, यहाँ देखें, रिएक्शन किससे है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन। और बना क्या? कार्बोजाइलिक एसिड बना, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसके बाद सेकंड देखें, क्या रिएक्शन किसके साथ है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ है। और क्या बना? प्राइमरी अल्कोहल बना है। फिर रिएक्शन किसके साथ है? एल्डिहाइड के साथ है, तो सेकेंडरी अल्कोहल बना है। फिर रिएक्शन किसके साथ है? कीटोन के साथ है, तो क्या है? टर्शरी अल्कोहल बना। अब आप थोड़ी देर को ये वाली बात याद रखेंगी कि आपने साथ साथ, जब आप ये याद रखेंगी तो टॉपिक आप इजीली पढ़ सकती हैं और आसानी से हम आगे चल सकते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं? अल्कोहल में हमारे पास 3 टाइप्स की अल्कोहल बनेंगी। कौन कौन सी अल्कोहल बनेंगी? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ये देखिए, हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर हमने आपके लिए ये इजी करके इसको निकाला है ताकि आप इसे बड़ी आसानी से समझ सकें और आप इसको फार्मूले को बना सकें। तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल हमें पहले करना है। अब आपने क्या जहन में रखा? फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल किस किस के साथ? 3 चीज़ें हैं, 3 सब्सटेंसेस हैं, उनके नाम पहले 2 मिनट को जहन में बिठा रहे हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हों। फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या? फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। इस सीक्वेंस पर क्या चलेगा? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। और रिएक्शन किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मींस एक्चुअली क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द एल्डिहाइड एंड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द कीटोन। एंड नाउ वी रिपीटेड इट, द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्म द प्राइमरी अल्कोहल एंड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द एल्डिहाइड फॉर्म द, यहाँ कहाँ लिखा ये है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द एल्डिहाइड एंड फॉर्म द सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ सिमिलरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द कीटोन एंड फॉर्म द टर्शरी अल्कोहल। हमने आपके लिए यहाँ आपकी सहूलत को ये लिख दिया, ये देखें, इसमें ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस फॉर्मेल्डिहाइड क्या बना? प्राइमरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस एल्डिहाइड क्या बना? सेकेंडरी अल्कोहल। एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कीटोन क्या बना है? टर्शरी अल्कोहल। ना बेटा, अभी देखें इसको ईजीली आपको समझने के लिए, आप पहले अगर रिएक्शन आपने तमाम किए हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। देखिए, जर्नल फार्मूला हमने क्या लिखा है? जर्नल फार्मूला हमारे पास ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, R यानी अल्काइल रेडिकल, मैग्नीशियम और हेलाइड यानी हेलोजिन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है। और प्लस ये फार्मूला हमारे पास किसका है? ये फार्मूला हमारे पास, ये देखिए ऊपर हमने बता रखा है, फॉर्मेल्डिहाइड है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला है। सिमिलर रिएक्शन होगा जैसे पहले हुआ कार्बोजाइलिक एसिड में। नाउ R अटैकिंग ऑन द कार्बन, ये R क्या है? अल्काइल रेडिकल अटैक करेगा कार्बन पर। अटैक करते ही ये इसकी जगह ले लेगा, मीन्स इसके साथ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, और रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगी और ऑक्सीजन के लेते ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपने क्या याद रखना है? आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर क्या है, डबल एच एच है। अब उस एच की जगह क्या होगा, ये अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, साथ में एक आर और आ जाएगा, यानी कि वो आर वहाँ से आ रहा है, आने के लिए उसने इसको हिट किया, जब धक्का लगाया ये बॉन्ड टूट गया और वो यहाँ आकर बैठ गया, और जैसे ही ये माइनस बनेगा
तो ये प्लस उसके पास चला जाएगा। अभी आप देखें यहाँ पर यही काम है। अब हम आपको दिखाते हैं ताकि आप इकट्ठा ये रिएक्शन देख लें, आपको दोनों बातें नज़र आ जाएं। आप ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये आर यहाँ आ गया, दो एच थे, एच अपनी जगह रहे, इसके पास आर भी आ गया है, और जैसे ये डबल बॉन्ड टूटा सिंगल बना, ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिए, जब लिए तो इस पर माइनस का साइन आ गया, माइनस का साइन आते ही फौरन ये प्लस वाला इसके पास आया और ये कंपाउंड बन गया। अभी इसके बाद क्या है, कंपाउंड बनते ही ये तो हमारे पास एडिशनल कंपाउंड है। अब इसमें एडिशनल कंपाउंड में जब ये आयन मिलेगा, आयन इसका नाम H3O और प्लस का साइन इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कैसा होता है, हाइड्रोनियम आयन में ये देखिए हमने ये आपको मेंशन किया है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये साथ में हाइड्रोक्साइल होता है, ये माइनस का साइन। यानी जब वाटर में हमने ये आपने एसिड बेस की थ्योरीज में पढ़ा होगा कि ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, तो यहाँ रिएक्शन ये है कि हाइड्रोनियम आयन से होगा। पीछे हमने जो रिएक्शन किया था और उसमें ऑक्सैलिक एसिड बनाया था, वहाँ हमने वाटर के साथ रिएक्शन हुआ था और मीडियम वही एसिडिक था, सिर्फ यहाँ इतना चेंज है, वाटर नहीं है बल्कि हाइड्रोनियम आयन है। अब हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, दो OH बना देगा, एक OH इसके पास आ जाएगा, एक OH इसके पास आ जाएगा। अब देखें क्या है, यहाँ से एक OH ये ले लेगा और एक OH ये ले लेगा। देखें ये रहा, दो हाइड्रोजन थे और एक R था, दो हाइड्रोजन है और एक R है, और ये H जो O था वो OH बन चुका है, और ये एक OH इनके दरमियान में आ गया है, ये बाय प्रोडक्ट है, हमने आपको बताया ऊपर हमने लिखा है बाय प्रोडक्ट है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना काम करना है, ये R की जगह हमें मिथाइल रेडिकल लगा देना है और X की जगह हमें कोई भी हेलोजिन का लगा देना है, ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या है, मीथेन मिथाइल रेडिकल और ये ब्रोमीन लगा दिया, ये देखें ये रहा मिथाइल रेडिकल और ये ब्रोमीन लगा दिया है, और इसका नाम आपको बहुत अच्छे से आता होगा, ये क्या होता है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आयोडीन लगा तो आयोडाइड, क्लोरीन लगा तो क्लोराइड, ये बन जाएगा। अभी इसका हमने ये रिएक्शन यहाँ दिखाया आपको, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन हुआ, जैसे ही रिएक्शन हुआ नॉन मिथाइल ग्रुप अटैक ऑन द कार्बन, कार्बन पर ये अटैक करेगा, दोनों हाइड्रोजन अपनी जगह पर रहेंगे और मिथाइल ग्रुप भी इसके साथ अटैच हो जाएगा, वो आपकी मर्ज़ी आप तीनों जगहों में से कहीं भी अटैच करें, लेकिन दो हाइड्रोजन होंगे और एक इसके साथ मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये फौरन ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड को अपने साथ ले लेगी। अभी यहाँ देखें वही बात है, आप ये याद रखेंगे, ये रहे दो हाइड्रोजन हमने यहाँ अटैच कर दिए, दो हाइड्रोजन और मिथाइल यहाँ अटैच किया, आप कहीं भी अटैच करें आपकी मर्ज़ी है, मीन्स दो हाइड्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया और डबल बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये मैग्नीशियम इसके साथ आ गया। अब ये क्या एडिशनल कंपाउंड बन चुका है, लेकिन एडिशनल कंपाउंड को फिर स्प्लिट करने के लिए और अल्कोहल हासिल करने के लिए इसमें हाइड्रोनियम आयन को डाला, ये हमने आपको हाइड्रोनियम आयन दिखाया, या हमने ऐसा लिखा एक एच, या हम और लिख देते हैं, जरा एक एच और लिखा, ये हाइड्रोनियम आयन होता है, वाटर के साथ एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाता है। अब जब रिएक्शन होगा तो क्या है, इसके साथ क्या है, एक ओ एच इसके साथ आ जाएगा, ये ओ तो ऑलरेडी है, एच इसके साथ आ जाएगा और एक ओ एच इसके साथ आएगा, यानी ये एच इसके साथ आया और बाकी ओ एच बचा वो उनके साथ चला जाएगा। अब क्या ये ऑटोमेटिकली ओ एच बन जाएगा। अभी आप देखेंगे रिएक्शन आपको दिखाया हुआ है, कितने थे हमारे पास, दो हाइड्रोजन थे, एक मिथाइल ग्रुप था, अभी देखें ये रहा, ये दो हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है और ये ओ एच बन चुका है और ये ओ एच इसके सेंटर में चला गया, ये बात पुरानी है, ये आपको पता है, आप पहले बहुत मरतबा ये समझ चुकी हैं, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा, जिसे कि हम क्या कहेंगे, एक हमारे पास बनेगा मिथाइल अल्कोहल, फिर हमारे पास बनेगा इथाइल अल्कोहल, और ये हमारा है प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अभी ये प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास है और दूसरा हमारे पास फिर ये सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, देखिए सिमिलर वही रिएक्शन चलेगा हमारे पास, सिमिलर रिएक्शन कैसे चलेगा हमारे पास, जो हमने आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट का बताया है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का सेम वही हमारे पास प्रोसेस चलेगा, ये हम लिखेंगे यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल, ये हमने लिखा है, ये हम लिखेंगे प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ प्राइमरी, ये आ गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल। अभी आप ये देखें सेकेंडरी अल्कोहल, अब यहाँ हमने ये नहीं लिखा है, ये क्या बन जाएगा, ये रहा यहाँ बनेगा, ये है देखें, ये हमने हाईलाइट कर दिया, ये बना सेकेंडरी अल्कोहल।
और ये देखें, ये हमने हाईलाइट कर दिया, ये क्या बना, ये बना टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। और ये हम यहाँ भी हाईलाइट कर देते हैं, ये रहा, ये बना प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल का साइन क्या है, OH मीन्स अल्कोहल, ठीक है। ये हमने इसको भी हाईलाइट कर दिया, ये प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्शियरी अल्कोहल। टॉपिक पर लिख दिया, इसके नीचे यहाँ नहीं लिखा है, आप ये याद कर लीजिएगा। अभी देखिए, आपको ये बात याद रखनी है कि हमने क्या किया था। यहाँ भी देखिए, हमने जर्नल फार्मूले में वही लिखा, आर लिखा मीन्स कोई भी हमारे पास रेडिकल है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एक्स लगा दिया है। अब यहाँ क्या है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये हमने फार्मूला लिखा है, एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, होगा ये यहाँ पर, ये इसको अटैक करेगा, अटैक करेगा, डबल बॉन्ड स्प्लिट हो जाएगा और ये सिंगल हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। और उसी तरीके से देखिए, सेम प्रोसेस ये चल रहा है कि ये आर यहाँ आ गया, मीन्स देखिए वहाँ पर आपको याद ये रखना है कि इसमें सिंगल आर है, एक अल्काइल रेडिकल है, इसमें दो अल्काइल रेडिकल हैं और इसमें तीन अल्काइल रेडिकल हैं, ये बात आपने याद रखनी है। इसीलिए प्राइमरी में एक है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी में दो अल्काइल रेडिकल हैं और टर्शियरी में तीन अल्काइल रेडिकल हैं। और अल्काइल रेडिकल क्या है, यानी मिथाइल रेडिकल हैं। तो यहाँ देखें, ये हमने आपके पास फार्मूला लिखा है, ये हाइड्रोनियम आयन लिखा है, इसका स्प्लिट होने का दिखा है और सेम सिमिलर वही पोजिशन ये जनरल फार्मूले की दिखा दिए। दो आर है, सेकेंडरी है तो डबल इसमें आर आ गया है, मिथाइल रेडिकल आ गया है और ये OH अल्कोहल का साइन है, मीन्स हाइड्रोक्साइल मीन्स अल्कोहल होता है, तो ये अल्कोहल तैयार हो गया यहाँ पर। अब रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन में क्या होगा। देखिए, मिथाइल हमने आर की जगह यहाँ मिथाइल यूज़ किया है और मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वैसे ही है, और एक्स की जगह क्या है, हेलोजिन में से क्लोरीन को यूज़ किया है। अब ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये मिथाइल क्या करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वही बातें रिपीट हो रही हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा याद कर लें तो आप बड़ी आसानी से तमाम रिएक्शंस कर सकती हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में आता है। अभी देखिए, हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि ये देखें, सिर्फ ये यहाँ पर आ जाएगा, मीन्स देखिए एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल रेडिकल है, दो मिथाइल रेडिकल अटैच हो जाएंगे। ये देखें, ये रहे दो मिथाइल रेडिकल अटैच हो गए, एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट गया और ये इसने ऑक्सीजन ने नेगेटिव चार्ज ले लिया और पॉजिटिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इसके पास आ गया। और रिएक्शन में दोबारा से क्या है, ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, आप ये जानते हैं ऑक्सीजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन ले लेगा और ये OH बन जाएगा और साथ में जो एक और OH हमारे पास बनेगा वो कहाँ चला जाएगा, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आ जाएगा और ये बाय प्रोडक्ट के तौर पर बन जाएगा। आपने ये याद रखना है, इसमें दो मिथाइल रेडिकल हैं, सेकेंडरी में दो मिथाइल रेडिकल हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल में भी सिमिलर क्या है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है, टर्शियरी में टी आ रहा है तो कीटोन, कीटोन में टी आ रहा है, इस रिजेम्बलेंस से आप याद रख लें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन के साथ रिएक्शन हो रहा है। और इसमें सेकेंडरी में क्या था, इसमें एल्डिहाइड में डी आता है तो सेकेंडरी में डी आता है, आप ये याद रख लें, सेकेंडरी किससे बन रहा है, ये एल्डिहाइड से बन रहा है, तो आप ये इसकी पहचान रख लें। वैसे आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अभी टर्शियरी अल्कोहल में क्या है हमारे पास, देखें जनरल फार्मूला हमने आर लिखा, अल्काइल रेडिकल, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और साथ में ये कीटोन का फार्मूला है। कीटोन में क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या है, देखें एल्डिहाइड का ये फार्मूला है, एक अल्काइल रेडिकल, एक अल्काइल रेडिकल, एक हाइड्रोजन है इसमें और जबकि इसमें क्या है, दो अल्काइल रेडिकल हैं, यानी हाइड्रोजन नहीं है, दो अल्काइल रेडिकल हैं, आपने याद रख लेना है। और साथ में इसमें भी क्या है, डबल बॉन्ड दे रखा है ऑक्सीजन का, इसमें भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का मौजूद है। तो लिहाजा क्या है कि यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस चलेगा कि ये आर क्या करेगा, ये आर जो है अल्काइल रेडिकल, ये अटैक कर देगा, अटैक करेगा, ठीक है। और जब ये अटैक करेगा तो अटैक से ये आर वहाँ जाके अटैच हो जाएगा, देखिए दो आर हैं, तीसरा आर भी आ जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। अभी आप देखें यहाँ पर यही है कि दो आर थे, तीसरा आर भी इनके पास आ गया, डबल बॉन्ड टूट गया है, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड तोड़ते ही दो इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, लेने के बाद क्या है, मैग्नीशियम ये प्लस भी इसके पास आ गया, फिर रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन में क्या बनेगा कि ये H3O के साथ यानी हाइड्रोनियम आयन के साथ इसका रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन में ये देखें यहाँ पर OH आ गया, मीन्स ये क्या बन गया, ये हाइड्रोनियम आयन इसके साथ OH मिला दिया, तो ये OH मीन्स के अल्कोहल, ये भी अल्कोहल बन गया है। तो ये कौन सा अल्कोहल बना है, ये टर्शियरी अल्कोहल बना है। और साथ में ये आप पुरानी बात है, आप जानते हैं कि ये प्रोसेस चलेगा। इसके बाद देखें यहाँ पर हमने R की जगह क्या किया, मिथाइल रेडिकल को यूज़ कर लिया है, मिथाइल रेडिकल ने, और यहाँ पर क्या है,
कीटोन में, कीटोन में क्या होगा, दो मिथाइल रेडिकल होंगे, तो लिहाजा दो मिथाइल रेडिकल हैं, एक और एक दो, और साथ में तरीकाकार वही चलेगा कि तीसरा मिथाइल रेडिकल ये अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ये देखें यहाँ पर क्या है, तीन जो हैं अल्काइल रेडिकल आ गए हैं और डबल बॉन्ड टूटा, इस पर नेगेटिव चार्ज आया, और ये क्या है, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट ने नेगेटिव और ये पॉजिटिव इसके साथ आ गया है, और ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन होगा तो इसके साथ एच आ जाएगा। तीन यहाँ पर अल्काइल रेडिकल हैं, एच इसके साथ आ गया, ये OH बन गया और एक OH इनके बिटवीन आ जाएगा। ये देखें ये रहा OH इसके साथ आ गया, तीन अल्काइल रेडिकल आ गए और यहाँ पर क्या है, इनके बीच में ये एक हाइड्रोक्साइल इनके दरमियान में आ गया है। इट मीन्स कि आज आपने क्या पढ़ा है बेटा, आज आपने पढ़ा है अल्कोहल की प्रिपरेशन है, और किससे, किसने की अल्कोहल की प्रिपरेशन भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट के जरिए हुई है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल थ्री टाइप का है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। याद रखने की बात है, यहाँ हमने साइड में निकाल दी है। प्राइमरी अल्कोहल मीन्स क्या है, आपने ये इसका याद रखना है, मीन्स क्या है, वन अल्काइल रेडिकल है और ग्रिगनार्ड रिएजेंट प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल में क्या है, टू अल्काइल रेडिकल हैं और टू आर हमने लिख दिया है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट एंड द एल्डिहाइड। और टर्शियरी अल्कोहल में क्या है, तीन अल्काइल रेडिकल हैं यानी कि थ्री आर लिख दिया और ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, और ये हमने यहाँ आपको इसका नाम शो कर दिया है, थ्री ओ मीन्स क्या है, इसका नेम हाइड्रोनियम आयन। इसे अच्छी तरह से आप याद करें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें। जब तक आप इसको करके नहीं देखेंगे, अपने हाथ से पेज पर लिख के नहीं देखेंगी, बना के नहीं देखेंगी, जनरल फार्मूले याद नहीं करेंगी, आप ये ना समझें, या करेंगी या करेंगे स्टूडेंट्स, यानी आप जो भी बॉयज़ गर्ल्स जो भी इसको देख रहे हैं, इसको प्रैक्टिस से आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आएगा। तो प्रैक्टिस जो है वही आपको परफेक्ट बनाएगी, और आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट, तो इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से बार बार जब आप इस काम को करेंगे, एक रिएक्शन को कम से कम पाँच मरतबा आप कर लें, पहले को कर लें और चंद बातें याद रख लें कि अल्काइल रेडिकल कितने यूज़ हो रहे हैं और किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, ये हमने आपको पहले बताया है। जब आप ये कर लेंगे तो बेटा आपको बहुत अच्छे से ये आ जाएगा रिएक्शन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और एनुअल एग्जामिनेशन में। उसके अलावा आप एनुअल एग्जामिनेशन के अलावा भी आप ये देखें कि आपकी नॉलेज होनी चाहिए और आपको काम करना आना चाहिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने काम अपने हाथ से कर लिया। दूसरा, ये जब आप इसको बनाएंगे तो आप ये ज़रूर लिख लीजिएगा, यहाँ प्राइमरी अल्कोहल लिखिएगा, यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल लिखिएगा और यहाँ टर्शियरी अल्कोहल लिखिएगा, और इनको मेंशन किससे किया जाता है ये भी आप याद रख लेंगे। प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शियरी को 3 डिग्री से मेंशन किया जाता है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। और आप इसको वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, देख के इसको पढ़ें, याद करें और प्रैक्टिस करें, लिख लिख के देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स पास करें, और उसके बाद आप ये शेयर करेंगे, दूसरों को भी मिलेगी, दूसरों को फ़ायदा हासिल होगा, जिससे क्या है कि इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपके नंबर बहुत अच्छे लेके आएगा, आपको आपकी जो भी फील्ड होगी, आपकी जो भी ख्वाहिश होगी, उसमें कामयाबी से अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा और आप अपने मुस्तकबिल को रोशन पाएंगी। लेकिन यह है कि कर भला तो हो भला, इसलिए भला करें, दूसरों को भेजें और दूसरों को भी कहें कि जब वो सब्सक्राइब करेंगे तो उन्हें मेरी वीडियो को तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वीडियो ऑटोमेटिक जैसे ही अपलोड होगी फ़ौरन उनके पास पहुंच जाएगी। ओके, गुड लक, अपना बहुत ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह ताला कामयाब करेगा। अल्लाह हाफिज़।